जेपीआईसी डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरुण द्विवेदी, प्रवक्ता हिस्ट्री, जेपीआईसी इंटर कॉलेज। आज से आपका जो है यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास के संदर्भ में स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो। सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आपके पास जो है पीडीएफ फाइल हिस्ट्री में लेसन वन तक पीडीएफ फाइल पहुँच चुकी है, नागरिक शास्त्र में भी पीडीएफ फाइल आपके पास पहुँच चुकी है, भूगोल में भी आपके पास पीडीएफ फाइल पहुँच चुकी है और अर्थशास्त्र में भी आपकी पीडीएफ फाइल पहुँच चुकी है। तो इस तरह से आपके पास चारों पोर्शन के पीडीएफ फाइल पहुंच चुकी है। आज से हम जो है वीडियो स्टार्ट करेंगे और क्रमबद्ध तरीके से चलेगा ये वीडियो आपका। तो हिस्ट्री, इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, इन चारों में से एक एक पीडीएफ फाइल आपके पास पहुंच चुकी है। कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के पूर्व जो है ये स्थितियाँ थी, यानी कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद उदय यानी 1789 के पहले यूरोप में कह सकते हैं कि छोटे छोटे शासक क्षेत्र थे जहाँ पे शासकों का निरंकुश शासन था, लोगों को जो है स्वतंत्रताएं नहीं प्रदान की गई थी, लोगों को समानता का अधिकार नहीं था, लोग जो है शासक के अत्याचारों से कह सकते हैं प्रताड़ित हो रहे थे। तो ऐसी कंडीशन संपूर्ण यूरोप में था, लेकिन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ये स्थिति चेंज हो जाती है। कैसे चेंज हो जाती है उसको थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात बहुत सारा बदलाव आता है फ्रांस में। 1789 एक कह सकते हैं कि एक यही बेस था, इसी के बाद जो है राष्ट्रवादी भावनाएं पनपने लगती हैं, लोग एकजुट होने लगते हैं। कह सकते हैं कि लोग जो है देश के प्रति, अभी तक स्वयं के लिए सोचते थे, अपने लिए सोचते थे, लेकिन अब दूसरे के लिए सोचने लगे, देश के लिए सोचने लगे, लोगों के अंदर समर्पण की भावनाएं आने लगी, लोगों के अंदर त्याग की भावनाएं आने लगी और इस तरह से कह सकते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा व्यक्ति से होकर के संपूर्ण राष्ट्र में यानी संपूर्ण यूरोप में पनपी। तो इस तरह से स्टार्टिंग होती है 1789 फ्रांसीसी क्रांति से और आगे विस्तार फिर धीरे धीरे फ्रांस के बाद अन्य राष्ट्रों में कह सकते हैं राष्ट्रवादी विचारधारा पनपने लगी। तो इस तरह से जो राष्ट्रवादी विचारधारा का जो उदय होता है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात होता है। दो क्वेश्चन इस तरह से इसमें आते हैं कि राष्ट्रवादी क्रांति के पहले क्या स्थिति थी, तो इसको बहुत शॉर्ट तरीके से समझेंगे कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पहले फ्रांस में यानी स्टार्टिंग जो होती है क्रांति का शुरुआत जो होता है वो फ्रांस से होता है 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात, लेकिन उसके पूर्व स्थिति। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन रहे हैं, कैसे आते हैं इस तरह से हम लोग समझेंगे, चूंकि पीडीएफ फाइल आपके पास जा चुकी है लेकिन इसको वीडियो के माध्यम से आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे क्या चेंजेस आते हैं, पहले क्या स्थिति और बाद में क्या स्थिति होती है। 1789 में के पहले बस शॉर्ट तरीके से केवल चार पांच लाइन में समझेंगे कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप में निरंकुश शासकों का शासन था, स्वतंत्रता की बात नहीं थी, समानता की बात नहीं थी, लोगों को अधिकार नहीं प्राप्त थे, लेकिन 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात ये स्थिति चेंज हो जाती है, लोगों की मना स्थिति, लोगों की विचारधारा बदल जाती है और धीरे धीरे पहले फ्रांस से ये विचारधारा स्टार्ट होती है और धीरे धीरे संपूर्ण राष्ट्र में कह सकते हैं संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवादी विचारधारा फैल जाती है। तो इस तरह से तीन चीज़ें हमने यहाँ पे समझ में आया। सबसे पहले राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना, राष्ट्र के प्रति त्याग की भावना, राष्ट्र के लिए कुछ भी कर जाने की स्थिति यानी राष्ट्र के हित में कर जाने के लिए, ना कि स्वयं के लिए। तो इस तरह से राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर के राष्ट्र के लिए जो भी कह सकते हैं सहयोग के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र को बाह्य शक्तियों से मुक्त कराने के लिए जो भी कार्य किए गए ऐसी विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा कहलाती है। दूसरे स्थिति में हम लोग क्या समझें कि राष्ट्रवाद का स्वरूप कैसे था, तो सबसे पहले दो चीज़ें हमने यहाँ पर समझा कि 1789 फ्रांसीसी क्रांति से राष्ट्रवादी विचारधारा का उदय होता है और उसके पहले की क्या स्थिति थी, तो ये भी हमने आपको समझाया कि किस तरह से यूरोप में फ्रांसीसी शासकों का निरंकुश शासन था और इसके अत्याचारों से मुक्ति कब मिली, 1789 फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात। तो इस तरह से तीन स्थितियां बनती हैं, क्रांति के पहले की क्या स्थिति थी, क्रांति के समय क्या स्थिति थी और क्रांति के बाद क्या स्थिति थी। तीनों स्थितियों में क्या हमने समझा, क्रांति के पहले निरंकुश शासन था और क्रांति के समय पूरे संपूर्ण कह सकते हैं फ्रांसीसी राष्ट्र में लोगों ने शासक के खिलाफ एकजुट होकर के क्रांति की और वहां के शासक से मुक्ति दिलाई अत्याचारों से। तो ये स्थिति थी और क्रांति के पश्चात क्या स्थिति बनी कि राष्ट्र में जो है जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था या लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था काबिज हुआ
और इसके पहले जो निरंकुश शासन व्यवस्था था उसको समाप्त किया गया। तीसरी स्थिति ये बनती है। तीसरा से आपने समझा कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या हुआ और फ्रांसीसी क्रांति के पहले राष्ट्रवाद के फ्रांसीसी क्रांति के पहले यूरोप में या कह सकते हैं फ्रांस में क्या स्थिति थी और किस तरह से क्रांति के पश्चात क्या बदलाव हुए। तो आपने इन तीन बिंदुओं के माध्यम से ये सारी चीज़ें आपने सीखा आज की वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।